नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कर्मा हिट बैक करता जरूर है, और जब किसी ने दूसरे के घर में आग लगाने की कोशिश की हो उसके भी पिछवाड़े में आग लगेगी जरूर। ये हमारे धर्म गुरु भी बता गए हैं और हमारे जो शास्त्र है उसमें तो लिखा हुआ है। यूके ने बड़ी कोशिश करी कि हमारे घर में आग लगे, इन खालिस्तानियों को भड़काया जाए, फार्मर्स प्रोटेस्ट का नाम दिया गया। आज वही फार्मर्स के प्रोटेस्ट जिन्होंने ओरिजिनेट किए थे उनके खेमे में आग लग गई है, यानी कि उनके खेतों में आग लग चुकी है। वहां पर प्रोटेस्ट बड़े लेवल पर शुरू हो गए हैं। ये मैं यूके की बात कर रहा हूं अभी तो, लेकिन उमेश जी ने मेरी आंखें खोल दी ये बताकर कि ये सिर्फ यूके तक नहीं है। आपको याद होगा जब भारत में फार्मर्स के नाम पर प्रोटेस्ट थे तो बड़े बड़े नाम, वही ग्रेटा जो किसी भी चीज में ग्रेट नहीं है एक्सेप्ट की गंध डालने में, वो ग्रेटा और रिहाना, ये सारे के सारे, ये जस्ट आउट टू ट्रूडो बनने वाला है, उसके साथ मिलकर इन्होंने बोल दिया कि मोदी जी फैसिस्ट हैं, फार्मर्स की बात नहीं सुन रहे। आज हालत ये है कि यूके के अंदर आउटराइटली वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, साथ में ट्रूडो के घर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। दिसंबर से प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन जो हमारे ही मीडिया में भारत का मीडिया है वो क्या कर रहा है, जिसके कारण वो काम नहीं करते। बीजेपी का जो आईटी सेल है मालविया, जो माल इकट्ठा करने में लगा है आज की डेट में, एक भी काम नहीं है, वो भी इस चीजों को उजागर नहीं कर रहा। इसलिए शायद भगवान ने उमेश जी और सुमित जैन को भेज दिया है, दोनों इकट्ठे बैठकर कॉफी पीते हैं, ये सारी चीजों का पर्दाफाश करते हैं। उमेश जी, आज ये इतना संगीन मैटर है जिसे स्पिन किया सारे वेस्टर्न मीडिया ने, जब यहां पर वेस्टर्न प्रोटेस्ट हो रहे थे फार्मर्स के नाम पर, आज हम भी वही काम करेंगे, इन्हीं की भाषा में जवाब भी देंगे। और जो सनातनी आज सुन रहे हैं, मुझे आपकी तरफ से भी मैसेज चाहिए। जय श्री राम का नारा आप लगाते ही हैं, आज नारा चाहिए फ्रीडम फॉर फार्मर्स ऑफ कैनेडा एंड यूके, या वी स्टैंड विद फार्मर्स ऑफ यूके एंड कैनेडा। ये आवाज वहां तक भी पहुंचे। आपने हमारे घर में आग लगाने की कोशिश करी, हम आपके घर में भी लगाएंगे और आपके खेतों में भी लगाएंगे। This is what we need to do in the same language what they do to us. उमेश जी, जय सियाराम। जय सियाराम। सर, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यूके इतना इनसेंसिटिव है। वहां पर प्रोटेस्ट है, उनके फार्मर्स कर रहे हैं कि उनका जीना हराम हो गया है। कनाडा के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये इतने इनसेंसिटिव हैं, इतने फैसिस्ट हैं ट्रूडो भी और स्टामर भी, कि ये अपने फार्मर्स की बात नहीं सुन रहे, उनके हल के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे लोग। सर, ऐसा बात है कि आपने दो स्लाइड बताया था, पहले तो आपने ये बोला था यूके इकोनॉमी स्लिप्ड इनटू रिसेशन, मतलब वहां पे ग्रोथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और ग्रोथ कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है वो समझना जरूरी है। देखिये, यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ था February 24, 2022 में, उसके बाद यूके के अंदर एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर का 50% से ऊपर बढ़ गए हैं, जिसके कारण वहां पे लोगों को वो रेवेन्यू नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं मिल रहे, सब्सिडीज उनको देना पड़ता है, तब उनको चाहिए न्यू मेथड्स ऑफ रेजिंग रेवेन्यू। तब उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का प्रपोजल दिया है 1 million pounds के ऊपर जो भी रहेगा, इसके अंदर कैलकुलेशन किया जाएगा, नाउ लैंड और लाइफ स्टॉक सबका कैलकुलेशन करके दे आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस एन इनहेरिटेंस टैक्स, जिसके कारण वहां पे फार्मर्स को एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके पास इतनी बड़ी होल्डिंग्स नहीं है कि वो आज अपने आप को सस्टेन भी कर सके। अभी समझ लीजिए 50% अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ गया उसी हिसाब से उनको वो प्राइस नहीं मिलता है, वहां पे रिसेशन है, लोगों ने स्पेंडिंग कम कर दिया है, मतलब इवन अटेंडेंस क्लासेस में कम हो गई है। तो आप ये सोचिए कि उस टाइम पे इनके पास वो उनको वो प्राइस मिल नहीं रहा है, जिसके कारण वो लोगों ने अभी लंदन में अपने ट्रैक्टर्स लाके रख दिए। और आपको याद रहना चाहिए ये सब हुआ है रशिया और यूक्रेन वॉर के कारण। चलिए बात करता हूँ फार्मर्स, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था ही नहीं इंडिया में, इट वॉज अ मिडिलमैन प्रोटेस्ट, और इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर्स रिफॉर्म बिल लेके आई थी कि वो मिडिलमैन को हटा सके। उधर जितने भी लोग थे जो बॉर्डर पे बैठे थे सिंगू बॉर्डर पे, दे वर नॉट एट ऑल फार्मर, दे वर खालिस्तानी प्रोटेस्टर,
देवर कांग्रेस प्रोटेस्टर्स, देवर आप प्रोटेस्टर्स, और वो मिडिलमैन थे, रियल फार्मर को उधर था ही नहीं। आप ये सोचिए उन्होंने अपनी एसयूवी को कैसे उन्होंने रीमॉडल कर दिया, देवर एबल देवर इवन उन्होंने अपने कार्स को रीमॉडल करके दैट दे कुड ब्रेक द बैरिकेड ऑल्सो, वैसा रीमॉडल कर दिया था। 10 महीने तक सर वहां पे प्रोटेस्ट चला था, 10 मंथ्स का एजिटेशन को, प्रोटेस्ट को इन्होंने कंटिन्यूसली इन्होंने वहां पे बैठ के पूरे बॉर्डर को जाम कर दिया था। कंटिन्यूस सप्लाई, इतना सब फंडिंग इनको कहां से मिला? ये मिला था इनको खालिस्तानी प्रोटेस्टर, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हु आर रिजाइडिंग इन कैनेडा, हु आर रिजाइडिंग इन यूके, हु आर रिजाइडिंग इन द यूरोपियन यूनियन, हु आर रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, हु आर रिजाइडिंग इन न्यूजीलैंड और अमेरिका में। आपने जैसे बोला कर्मा स्ट्राइक्स बैक, डेफिनेटली इट हैज स्ट्राइक देम वेरी हार्ड राइट नाउ। दे आर अनेबल टू मीट द एक्सपेंसेस, दे आर अनेबल टू मीट द लाइवलीहुड, उसके कारण दे आर कमिंग आउट अक्रॉस। ये सिर्फ यूके तक नहीं है, जर्मनी देख लीजिए, पोलैंड देख लीजिए, स्पेन देख लीजिए, इटली देख लीजिए, हर जगह फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसका ये मतलब है कि सर, और एक और एक चीज आपको ये बता देता हूँ, कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना ने भारत के खिलाफ, अर्जेंटीना है, यूक्रेन है, भारत के खिलाफ WTO में शिकायत की है कि भारत अपने फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है वीट और राइस के लिए, और दुनिया का सबसे बड़ा जो बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा वो बोलते हैं ना 80 करोड़ लोगों को फ्री में राइस और वीट दे रहे हैं। सर 80 करोड़ तो पॉपुलेशन है यूरोप की, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एज ए डेवलपिंग कंट्री इंडिया के कैसे कर पा रहा है। उसके अलावा हमने 250,000 टन 250,000 टन्स ऑफ वीट वी हैव गिवन एड टू अफगानिस्तान ऑल्सो, जिसके कारण वहां पे उन्होंने अपनी पॉपी कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय कर दी है, और वो पॉपी कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद अमेरिका को चाहिए था एक क्रिश्चियन स्टेट मणिपुर में, और जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जो जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो सर ये लोगों एक तरह से उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो जाल उन्होंने भारत के लिए बुना था वो उसके अंदर वो खुद ही ट्रैप हो चुके हैं। मुझे सर इसे बताइए सर, मैं कहता हूं कि वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, ये उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन जो चैंपियंस है पूरे इंटरनेशनल मीडिया में जो बोलते हैं कि इंडिया में मोदी जी बड़े इनसेंसिटिव हैं, अपने फार्मर्स के बारे में सोच नहीं रहे, उनकी बात नहीं मान रहे, ये पीसफुल प्रोटेस्टर जो टैंक लेकर आए थे, बॉम्ब्स लेकर आए थे, गोलीबारी चलाने के लिए करने आए थे, साथ में तलवारें भी थी उनके पास, बड़े पीसफुली आए थे लोग, इनकी बात नहीं सुन रहे। आज ये सारे चैंपियंस चुप क्यों हैं सर? आज ये फार्मर्स जो कनाडा के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, डच, ब्रसल्स और पोलैंड, ये सब जगह पर आग लगी है, उनके लिए बोलता क्यों नहीं है? Why they are so insensitive? और क्या मोदी जी को ट्वीट नहीं करना चाहिए जैसे ट्रूडो ने किया था? सर प्रॉब्लम हमारे अंदर है। जब उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट जो इंडिया में चला था, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको एक्सटेंसिव कवरेज दिया था, क्या इंडियन मीडिया उसको कवरेज दे रहा है? क्या इंडिया की पार्टी इवन बीजेपी और बीजेपी का आईटी सेल अमित मालवीय ने कुछ किया है? क्या आरएसएस ने कुछ बोला है? वो छोड़िए सर, जो नॉन रिलायबल इंडियंस है जो यूके और कनाडा में बैठे हैं, उन्होंने कुछ हाईलाइट किया है? यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, ये इतनी आके बातें करते थे कि भारत ऐसा नहीं करता है, भारत को ये करना चाहिए, वहां पे चुप रहते हैं। इंडियन इलेक्शन में हमें इतनी सारे ज्ञान की बातें करते हैं, पर अपने जब उनके देश में खुद इलेक्शन होते हैं वहां पे चुप बैठे रहते हैं। तो सर ये सब तो डायस्पोरा का इश्यू है। डायस्पोरा शुड हैव स्टेटेड दैट वी व्हेन यू आर पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स इंडिया, व्हाट इज हैपनिंग नाउ? वहां की कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ बोलती नहीं है सर। हम ये सर वहां पर भी स्टिकर, जो इंडियन डायस्पोरा है उसको स्टिकर लगाने चाहिए, नो फार्मर नो फूड, जैसे भारत में इन्होंने गाड़ी गाड़ी में इन्होंने स्टिकर लगा दिए थे, आज यूके कनाडा में लगाइए, नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कहीं हमारी यहाँ पर जो सुख चैन की जिंदगी है पैसे कमाने की, वो कहीं हाथ से ना निकल जाए, कहीं हमें डिपोर्ट ना कर दिया जाए, कहीं कोई खालिस्तानी आके हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। लेकिन सुमित जैन और उमेश जी ये वीडियो बनाए, इनके सर तन से जुदा हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा घर सेफ रहना चाहिए,
भगत सिंह आप बने सर, उनको भगत सिंह बनवाने की जरूरत नहीं है आपको। सर इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ जो डायस्पोरा है उनको नॉन रेलेवेंट इंडियन बोल रहा हूँ। They have not done, they have not acted for the interest of the nation. वहाँ पे एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए और हिपोक्रेसी है उस गवर्नमेंट की, उधर बोलना चाहिए। कीथ स्ट्रामर के खिलाफ कितने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं, कितने इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यूके ने इस बात को हाईलाइट किए, बताइए, किसी ने नहीं किए। वी फाइंड अगर कुछ इंडिया में कुछ हो जाता है तो वहाँ के बुद्धिजीवी आके हमें लेक्चर देते हैं इन एन एक्सेंचुएटेड इंग्लिश, अपनी वो बातें बताते रहते हैं, but it will not do anything against their own government. And देखिए सर, मैं जैसे आप बोल रहे हैं, मैं एग्री करता हूं आपके साथ कि everybody should be held accountable. वो बेशक वो NRIs है, वो फॉरेन की गवर्नमेंट्स है, फॉरेन का मीडिया है और हमारा भी मीडिया। सर वो इतना सिलेक्टिव कैसे हो सकता है कि भारत में प्रोटेस्ट है तो उसे पूरे इंटरनेशनल मीडिया में लेके जाते हैं, खुद ही स्टोरीज बनाकर वहां पर पोस्ट भी करते हैं, लेकिन वहां पर कुछ होता है वहां तो क्या करना है, भारत में न्यूज भी नहीं है इसके ऊपर। सर इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एमनीजिया। आपको मालूम होगा कि क्या हो रहा था कि कनाडा में जब लास्ट ईयर जब प्रोटेस्ट हुआ था, फार्मर्स का, ट्रकर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, सब लोग चुपचाप बैठे थे। But when things were happening in India, यहाँ पे इन लोगों ने इस मैटर को एम्प्लीफाई किया, इस मैटर को इतना मतलब डिस्टॉर्ट किया, मैनिपुलेटिव नरेटिव चलाया। हम तो एक्चुअल चीजें बता रहे हैं। Why did the Indian diaspora in Canada did not protest? वहां पे वो कर क्या रहे थे, यहाँ पे सर डॉलर कमा रहे थे। हाँ वो they are much more interested in earning the dollars rather than standing for the country of origin. और वो तो ना तो इंडिया के हैं ना कनाडा के हैं। सर दैट इज अ प्रॉब्लम। इंडियंस क्या है, उनके एक्सेंचुएटेड इंग्लिश और सोफिस्टिकेशन से दे गेट कैरिड अवे। दिस शुड नॉट बी द केस। हम यहाँ पे ये इश्यूज उठाते हैं और हम जो भी बोलते हैं सही चीजें बोलते हैं। देखिए ना तो हम किसी से वी नेवर टेक मनी फ्रॉम एनीवन फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, नेदर वी आस्क पीपल टू डोनेट टू अस, नेदर ऑफ आवर वीडियोस आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन। हम तो सब लोगों को बोलते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि वी फोरवार्न देम कि आप अपने आप को बचाइए। बट देखिए ये बात होती है कि आपको जहां पे अगर प्रोटेस्ट करना चाहिए यू शुड रेज योर वॉइस, एटलीस्ट ट्वीट तो करिए। यू डोंट डू इवन दैट। आपने जैसे बोला दे दिस द फियर ऑफ बीइंग डिपोर्टेड, द एसेट्स कन्फिस्केटेड, उनको बैन लगा सकते हैं, तो दे आर फीलिंग थ्रेटेंड, देन दे हैव नो लेक्चर। हमको राइट ही नहीं है उनको लंबो लेक्चर करने की। दे शुड कीप द माउथ शट। सही बात है सर। व्हाट अबाउट ग्रेटा एंड रिहाना, आज वो कहां मर गई हैं सर? जिंदा भी हैं? क्योंकि कोई न्यूज ही नहीं है कि दे आर अलाइव और डेड, या ये सिलेक्टिवनेस उनके अंदर भी है, यानी कि जो हमारी मीडिया में सिलेक्टिवनेस है, इन लिब्रांडो के जो आइकन्स होते हैं जिन्हें ये बोलते हैं ग्लोबल आइकन, रिहाना इनकी ग्लोबल आइकन है, ग्रेटा थंबर्ग भी इनकी ग्लोबल आइकन है, ये कहां चुप है सर आज? ये फार्मर्स जब इंडिया के थे, नॉट फार्मर सॉरी मिडल मैन खालिस्तानी है, उनके साथ तो खड़े हुए थे, पैसे मिलते थे क्या वहां से? सर ये जितने भी सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं, ग्रेटा है, रिहाना है, दे आर ऑल पेड। अब इनको जब तक पैसे मिलेंगे तो ये कुछ भी बकबक कर देंगे। अभी इनको जॉर्ज सोरोस से पैसे मिले नहीं है तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। सेकेंड मेरा ये मानना है कि आप इन लोगों की बातों को ज्यादा तवज्जो ही मत दीजिए, दे आर इररिलेवेंट। हमें इनके बात सुनने की जरूरत नहीं है। वी शुड बी आस्किंग द राइट क्वेश्चन टू द पीपल, टू द आवर डायस्पोरा अब्रॉड। सर आपको मालूम है ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? अगर आप ब्रॉडर टर्म्स में देखेंगे, जो हमने पहले भी बताया था, ये जो ESG नॉर्म्स जो बाहर के हेज फंड्स ने लगाया है कि आपको अपना एनवायरनमेंट में कार्बन एमिशन कम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू, तो एक तरह से बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए हैं उधर। उधर के फार्मर्स अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो चुके हैं और ये ESG नॉर्म्स अभी वो इंडिया के एशियन कंट्रीज के लिए मैंडेट कर रहे हैं 2026 से। तो सर ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने तो आके बोल ही दिया ही विल नॉट फॉलो द क्लाइमेट पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से वो बाहर होने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये यूके वाले जितने भी फार्मर्स हैं और कनाडा वाले,
हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। हमें मालूम है कि आपको कोई भी वॉइस नहीं दे रहा, आपको वॉइस हम देंगे, वैसे ही जैसे आप ही के कंट्री के जो वो थे यही जिहादी, उनको प्लेटफॉर्म इंडियन सारे के सारे प्लेटफॉर्म वालों ने बुला बुला कर वहां पे दिया था कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। तो यहां पर उमेश अग्रवाल और सुमित जैन आपके साथ खड़े हैं। आप आइए, अपने प्रोटेस्ट को हमारे साथ शेयर कीजिए, हम वॉइस बनेंगे आपकी। और ये जो काम आप ही के कंट्री के लोगों ने हमारे खिलाफ किया था, आज हम आपके साथ खड़े हैं, किसी के खिलाफ नहीं खड़े। आपको मालूम है कि दो ही लोग हैं यहां पर जो बहुत ज्यादा साफ सुथरे हैं, वो सुमित जैन और उमेश अग्रवाल हैं। हम तो कोई पंगा लेते ही नहीं किसी के साथ। हम तो चाहते हैं कि सब जगह सुख शांति रहे, और जिहाद के खिलाफ अगर जिहाद करना भी पड़े तो हम करते रहेंगे। और आपके लिए जिहाद हमने शुरू कर दिया है, पीसफुल जिहाद है ये। हम सर तन से जुदा नहीं करते, हम खत्म ही कर देते हैं, अगली नस्लें आने ही नहीं देते। तो आपके साथ हम खड़े हैं, आइए आकर आपके साथ खड़े होकर हम प्रोटेस्ट करते हैं, ताकि क्यूबेक वालों को भी थोड़ा सा जो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जीना हराम हो गया है ट्रूडो मल के अंदर, और इनको तो फ्रीडम चाहिए, अपनी कंट्री भी अलग चाहिए, इनको भी वहाँ पर खालिस्तान चाहिए क्यूबेक नाम का, हम दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप आइए हमारे साथ बात कीजिए, वी विल सपोर्ट यू। सर क्लोजिंग कमेंट। मेरा एक ही मानना है कि यूके फार्मर्स शुड नॉट जस्ट ओनली सराउंड द यूके पार्लियामेंट, उन्हें वेस्टमिंस्टर पैलेस भी जाके उसको सराउंड कर लेना चाहिए। दे शुड सराउंड द पैलेस ऑफ द क्वीन, सॉरी द किंग राइट नाउ, तो मोनार्की है, उनको भी डिमांड करना चाहिए कि दे शुड ऑल्सो पे द टैक्सेस। ब्रिटिश में ऐसा है कि मोनार्की डज नॉट पे द टैक्सेस। तो मेरा मानना ये है कि उन लोगों को वेस्टमिंस्टर का दौरा करना चाहिए, वहां पे जाके सारे काउडन उनके पैलेस के अंदर डाल देना चाहिए, तब जाके एक बहुत ही अच्छा स्पेक्टेकल रहेगा। और इसी के साथ क्लोजिंग कमेंट सर, जय सियाराम। वेरी गुड सजेशन कि जैसे वो बोल रहे थे हमारे फार्मर्स को कि आप जाकर मोदी जी के घर को घिराव कर लीजिए, वहां पर आग लगा दीजिए, लेकिन ये उनका डीएनए है कि आग लगा दीजिए। हम तो बोल रहे हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका जितना एग्रीकल्चर वेस्ट है वो आप क्वीन के घर के बाहर जाकर डाल दीजिए, वो ऐसे लगेगा जैसे फ्लावर्स पड़े हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आग लगाने का काम तो कोई और ही करेगा, हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि पेट्रोल की टैंकियां लगा दीजिए। तीली लगाने वाले बहुत लोग हैं, वो हम नहीं सजेस्ट करते, क्योंकि हम बड़े पीसफुल प्रोटेस्टर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।